कुछ खा तो अब तुमने धोखे सेब भी नहीं रखा मैं मत ले जाती तो पूरी खा ले तू जब तू इतनी देर लगा दी तो मैंने एक गिलास दूध पी ला बस बजे कोई बात नहीं चल रनिंग कर फुई बाय जिम्मो बाय मैं जा रही हूँ बाय टाटा चलो मैं सेब रख लेती हूँ फटाफट से सेब सेब किधर है भाई मेरा तो सेब रख लेती हूँ सो ब्लैक जींस मैरून टॉप आइए हूँ मैं तो मैं रेडी हो गई हूँ चलती हूँ फटाफट से मैं लेट हो गई हूँ बैग ले लिया मैंने तो इसी में रख लेती हूँ मैं अपना सेब टाइम मिलेगा तब खा लेंगे है ना गाइस वेलकम बैक माय न्यू व्लॉग तो आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है बिकॉज मैं जा रही हूँ बहुत दूर कहीं शूट के लिए तो आज मतलब ब्राइडल शूट है तो मैं उसके लिए जा रही हूँ और मैंने हाथों में मेहंदी मेहंदी भी लगाई है तो मैं घर से निकल गई हूँ 10 बज रहे हैं फिलहाल तो मैं जाऊँगी मेट्रो से क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है समथिंग 2 घंटे का रास्ता है और वो भी फिर मैं अकेले जा रही हूँ क्योंकि साथ में कोई फैमिली नहीं तो देखते हैं कैसा रहता है तो मैं घर से आ गई हूँ मम्मी के चरण वरण छू के मम्मी भी अच्छा जाए और आज कोई स्पेशल पर्सन भी मुझसे मिलने आ रहा है मतलब हमारा मीटअप होने वाला है तो देखते हैं वो कौन है मैं अभी नहीं बताऊंगी वो तो जब मिलेंगे तभी पता चलेगा चलो भाई मेट्रो तो आ गई मिलते हैं मेट्रो में छठ पूजा है भाई आज सो गुड मॉर्निंग बज रहे हैं 10 तो 10 बज रहे हैं चलते हैं फटाफट मेट्रो से फोन भी आ रहा है वो पहुंचने वाली है उसको भी 15-20 मिनट लग जाएंगे हाँ अरे आज छठ पूजा भी है हाँ छठ पूजा है भाई हम तो बनाते नहीं छठ पूजा शुरू से आज फेस्टिवल भी है मार्केट लगी हुई है चलो 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 तो टोकन रख लेती हूँ जान से हो जाएगा तो से अच्छा शुक्र है मैंने मैप निकाल लिया है तो मेरे को पता है कि कैसे जाना है अगर ऐसे ही जाती ना तो मैं तो आ ही नहीं पाती बिल्कुल भी तो फिलहाल है मैं कश्मीरी गेट अब यहाँ से 3 नंबर प्लेटफॉर्म पे जाना है तो ये रहा चलते हैं तो यहाँ से रेड लाइन पे जाना है हमें यार बैठे बैठे थक गई मतलब नींद आने लगी मेरे को बहुत ज़्यादा मैं तो बोर बोर सा कर दिया कोई साथ में होता है ना तो बोलते बोलते चले जाओ पर कोई नहीं मैंने मैसेजेस पढ़ के टाइम पास कर लिया तो प्लेटफॉर्म 3 की तरह भैया आगे हाँ आगे रेड लाइन का जा रहा है ले लिए पानी की बोतल क्योंकि थोड़ा दूर है और मुझे प्यास भी लग रही है क्योंकि सुबह से कुछ नहीं खाया मैं लेट हो गई थी ऐसे ही आ गई कोई नहीं पूरा टाइम एक ही फ्लाइट चलेगा तो मुझे जाना है ऊपर भैया ये चेंजिंग वाला एकदम बोर कर देता है बहुत ज़्यादा तो यहाँ से मतलब पास नहीं है पैदल जाना है तो वो रहा पार्लर और मुझे भेज दिया रॉन्ग साइड बिल्कुल इधर है सामने और मैंने किसी से पूछा उसने मुझे उधर भेज दिया कितना चल के आना पड़ा है बाप रे आइए बिल्कुल मेन रोड पे ही है चले भाई तो पहुंच गए अपनी मंजिल पे
तो फाइनली मैं भी पहुंच गई और जिसका वेट था वो भी आ गई। हेलो, तो आज हम दोनों का साथ में सूट है, तो देखते कैसा होता है। ये संजना, मैं हूँ सलोनी। पहली बात तो ये हम दोनों फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं। तो हम तो फाइनली आ गए हैं, अब हो रहे हैं रेडी, तो देखते कौन अच्छा लगेगा। ये ऑब्वियसली तो बिल्कुल बिल्कुल मैं सिंपल ही अच्छी लगती हूँ। तो ये हमारी दीदी जिनके पार्लर में हम आए, रूबी दीदी। हाय, आईफोन में ऐसी शक्लें आती हैं। तो हमारी संजना का हो रहा है, क्या हो रहा है? हाँ, चल रहे हैं इसके बाद। नीचे से सचिन टाइप ऊपर देखो ना, बाप रे, लिंक पर करो, ऊपर देखो, ऊपर ही देखो, सिर्फ आंखों मारी बंद करो। क्या हो गया आजकल? अब होगा मेरे बालों में भी क्रिम्पिंग, क्योंकि भैया दूसरी मशीन भी लेकर आ गए हैं, तो मेरे बालों को भी लगने वाला है करंट। सच में यार, क्रिम्पिंग के बाद ऐसा लगता है बालों में करंट लग गया है। तो फटाफट से भैया कर देंगे। तो हम दोनों का साथ साथ में हो रहा है, और बाकी फिर नेल्स भी लगा दिए जा रहे हैं, क्योंकि हमारे नेचुरल नेल्स है ही नहीं, क्योंकि हम शरीफ बच्चे हैं, हमारे नेल्स होते ही नहीं है ना, इसीलिए तो हमारे नकली नेल्स लगाए जा रहे हैं। बालों पर कर्लिंग हो गई है और नेल्स भी लग रहे हैं। तो ये है हमारी लोकेशन जहाँ पर फोटोशूट होगा, मेरा और संजना का, दोनों का। तो अब टाइम है वीडियो शूट करने का, मतलब रेडी होने से पहले जो वीडियो बनाए जाते हैं, मतलब आपने देखा होगा एकदम झटके से रेडी होके आ जाते हैं ना, बस 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 वही वाली वीडियोस बनाई जा रही हैं। तो वही वाली एक्टिंग है हमारी चल रही है कि कैसे करना है, क्योंकि सबके सामने नो ईजी। तो आधे रेडी हो गए, अच्छा लग रहा है, मुझे लग रहा है शाम तक हो जाएगा लेट। आज मैं घर ऐसे ही जाने वाली हूँ। यार मेरे लॉन्ग हेयर हैं, ओपन रहेंगे, अच्छे लगेंगे। तो अब टाइम है मेकअप करने का, तो मेकअप फटाफट से करा लेते हैं, फिर देखते हैं कैसे लगते हैं। अरे भगवान, मेकअप भी हो गया, तो मेकअप हो चुका है, यही है हमारा फाइनल लुक आज का, मतलब मेरा फाइनल लुक। मैं हमारा कर रही हूँ क्योंकि संजना भी साथ में है ना। तो ये है फाइनल लुक, भैया ने भर भर के स्प्रे मार के मेरे बालों को एकदम कर दिया है सेट, बिल्कुल हिलने वाले नहीं है। तो यही है मेरा आज का लुक, तो बताना कमेंट में कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है ना? तो मुझे तो बहुत पसंद आ रहा है, दीदी ने एकदम मस्त वाला मेकअप करा है, बहुत अच्छा किया है, क्योंकि ऑब्वियसली यार इतनी अच्छी आर्टिस्ट है, मेकअप आर्टिस्ट, तो अच्छा तो करेंगी ना। तो वैसे मुझे ना एक शिकायत थी सबसे, क्योंकि मुझे रेड कलर चाहिए था ब्राइडल के लिए, बट हमेशा मुझे पिंक ही मिलता है। तो मैं भैया को बोल रही हूँ कि भैया मुझे, मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम सूट था तब भी मुझे यही लाइट कलर मिला था, तो आज भी लाइट कलर, तो आज भी मेरा आउटफिट पिंक कलर का ही है। पर कोई नहीं, मस्त लग रहा है, क्योंकि दीदी ने बहुत अच्छे से रेडी किया है। और अब लगाया जा रहा है मेरा मांग टीका, क्योंकि उसके बाद आने वाला है बिल्कुल ब्राइडल वाला फाइनल लुक। तो मेरे लग रहा है, क्योंकि बाल सेट हो चुके हैं ना, तो इस वजह से उन लगाने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है, बाल बाल खींच रहे हैं, पर कोई नहीं, लगा देंगे, बहुत अच्छे से कर रहे हैं भाई सब। तो फाइनल लुक आने वाला है, बाय गॉड, सच्ची भगवान सच्ची की आता है, मतलब कि ये कलर भाई मैं बोल रही हूं ना, ये ब्राइट कलर है, अलग ही निकल के आया, खुद नहीं समझ आ रहा है, एक पूरी क्लिक कर देते हैं। बताओ ये कैसी लग रही है? शर्म आ गई मुझको, ये कह रही है मैं उम्र से ज्यादा बड़ी लग रही हूँ। नहीं सच में मैं बड़ी लग रही हूँ भाई, ब्राइडल बनी है तो बड़ी तो लगेगी ना।
दुल्हन हो गई है एकदम रेडी, बस इंतजार है अपने दूल्हे का। तो मैं कर रही हूँ अपनी बारात का इंतजार, पता नहीं कब आएगी। तो दूल्हे का कोई अता पता नहीं है, वैसे सही बताऊँ तो फ़ोन भी नहीं उठा रहा मेरा, शादी वाले दिन ऐसे ही होता है ना। तो अब हो रहा है हमारा फ़ोटोशूट, तो ये सारी फ़ोटो क्लिक हो रही है और वीडियोज़ बनाए जा रही हैं। तो दीदी कर रही हैं जल्दी जल्दी फ़ोटोज़ क्लिक। वैसे सच्ची में सबके सामने इतना इजी नहीं होता एक्टिंग करना, क्योंकि मैं तो वैसे भी अकेले में वीडियोस बनाती हूँ, तो कर रहे हैं कोशिश हो जाएगा। तो दीदी मुझे बता रही है कि ऐसे करना है, ऐसे ऐसे लाना है हाथ को, तो ऐसे करना है। मैंने कहा ठीक है, तो चलो करते हैं। वैसे सच्ची बताऊँ बहुत लगता है देखने में इजी, बट होता नहीं है इजी। तो हमारा शूट हो गया है, हम जा रहे हैं अभी घर के लिए। तो इस बिल्ली का भी हो गया है और मेरा भी हो गया बिल्ली। हाँ बिल्ली, तो चलते हैं। वैसे लेट हो गया, कितना टाइम हो गया पता नहीं। तो आज इससे मिलके अच्छा लगा, ये फर्स्ट टाइम आई है मेरे से मिलने। मुझे भी अच्छा लगा। लेकिन सूट था तो इस वजह से ज्यादा बातें नहीं कर पाए, नेक्स्ट टाइम मिलेंगे है ना। बहुत सारी बातें। हाँ ये तो हमारा ऐसे होता है फोटोशूट, नहीं ब्राइडल फोटोशूट, हमारा नहीं सबका। तो बाय बाय, चलते हैं, हो गया शूट खत्म। प्लेटफॉर्म 3 किधर है भैया? प्लेटफॉर्म 3 ठीक है, ओके जी। यार पैरों में हो गए छाले, मेरे से नहीं चला जा रहा, कैसे हील पहनूं भाई। अभी एक हाथ में बोतल है, एक हाथ में ये है, एक हाथ में ये है, बड़ी आफत है। तो मैं फाइनली घर आ गई हूँ। तो मैं वहीं से लेसेस लगा के आई थी, मैंने निकलवाए नहीं थे क्योंकि मेट्रो में जाऊंगी, थोड़ा अच्छा लगना चाहिए ना, तो इसलिए। तो मैं अभी इनको निकालती हूँ। तभी तक वैसे मेरा निकालने का मन नहीं कर रहा है, अच्छे लग रहे हैं। पहले हैंड वॉश कर लेती हूँ क्योंकि आँखों का मामला है भैया। तो फाइनली फोटोशूट बहुत अच्छा रहा, जहाँ तक था मैंने अरदास की थी कि सतगुरु अच्छा हो, तो सच में बहुत अच्छा हुआ, जहाँ तक था मस्त हुआ। और जो मेकओवर किया था दी ने, जहाँ बुलाया था दी ने, वो भी बहुत अच्छा था, मतलब बहुत अच्छी दी थी, मुझे अच्छा लगा। तो कैसे लगा निकालते हैं भैया, तो निकल ही नहीं रहा। यो निकल गया, तो ये रख दिया इधर। अब देखो ये वाला नहीं, हाँ ये वाला। अब देखो ये देखो, तो ये भी निकालती हूँ भाई, कैसे निकलेगा। ये निकल गया। तो मैं कर लेती हूँ फेस वॉश जल्दी से, फेस वॉश करके खाऊंगी खाना। आए जिमो जिमो, ए जिमो जिमो, देख इधर, इसको बड़ी दिक्कत है फोन से, भाग्या ऊपर कुत्ता। तो मैं कर लेती हूँ फेस वॉश, उसके बाद। तो बाय बाय, गुड नाइट, मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट व्लॉग में। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा व्लॉग। तो बाय बाय।